सो वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0 मैं अमेर स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में ये कंप्लीट सीरीज़ में हम इंडस्ट्री 4.0 के रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज का फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है या फिर उसका एक बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग चेक करेंगे इंडस्ट्री 4.0 में हम लोग कैसे पहुंचे उसके पहले इंडस्ट्री 1, 2, 3 क्या था और इंडस्ट्री फोर में क्या क्या टॉपिक्स है एक बेसिक हम लोग आइडिया लेंगे थोड़ा सा बैक में जाके देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हुआ था ये कंप्लीट सीरीज बहुत ही बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा मैंने बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा ऐसे ही डिज़ाइन किया है कोई भी हार्ड लैंग्वेज या फिर कोई भी टफ़ वर्ड्स हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी आप कोई भी स्टूडेंट हो आप कोई भी कैटेगरी से हो आप इजीली देख सकते हो मतलब अगर आप ट्वेल्थ से देख रहे हो या फिर आप आ, इंडस्ट्री से देख रहे हो या भी किसी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर आप देख रहे हो तो भी आपको इजीली ये क्रैश कोर्स है वो समझ में आएगा ठीक है तो हम लोग चालू करते हैं फिर आज का वीडियो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थे इंडस्ट्री वन टू थ्री एंड फोर तो एक एक करके उसका बेसिक ब्रीफ देखते हैं क्या होता है आइडिया आ जाएगा तो इंडस्ट्री वन पॉइंट जीरो एंड के फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिससे हम लोग कहेंगे उसमें क्या था मैकेनाइजेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टीम एंड वाटर पावर सेकेंड इंडस्ट्री में क्या था या फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोलूशन में मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन्स यूजिंग द इलेक्ट्रिकल पावर ओके थर्ड इंडस्ट्रियल में क्या था ऑटोमेटेड प्रोडक्शन कंप्यूटर्स आईटी सिस्टम्स एंड रोबोटिक तो हम लोग ऑटोमेशन की तरफ यहाँ पे ज़्यादातर गए इंडस्ट्री टू में इलेक्ट्रिकल इन्वेंशन यहाँ पे हुआ इसकी वजह से क्या क्या इन्वेंशन हुए सारी चीज़ें हम लोग इन इन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंडस्ट्री फोर जो अभी करंटली चालू है जिस हम लोग कहेंगे स्मार्ट फैक्ट्री या फिर ऑटोनोमस सिस्टम आई मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने बहुत सारे नाम ऐसे सुने रहेंगे ठीक है तो एक एक करके अभी हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी शायद क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो ध्यान से ये वीडियो आखिर तक जरूर से देखना फर्स्ट आता है अपना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि इसके पहले इंडस्ट्री में कोई भी रिवोल्यूशन नहीं था बहुत ही लेबर यहाँ पे खर्च होता था तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से क्या क्या चीजें हुई चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सो द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज इज दैट अकर्स इन द लेट एटीन एंड द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में यानी कि लेट एटीन हंड्रेड और स्टार्टिंग के उन्नीस सौ के दशक में हम लोगों ने इसे सेंचुरी में अर्ली नाइनटीन हंड्रेड के सेंचुरी में ये फर्स्ट रिवोल्यूशन हो सकता है जहाँ पे क्या क्या हुआ था बेसिकली जो लेबर अपना लगता है जो ज़्यादा ह्यूमन लेबर लगता है वो धीरे धीरे होके कम हुआ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन और उसके वजह से जो अपना इंडस्ट्रील रिवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ यहाँ पर क्या होता था की ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी इसके पहले ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर मशीनरीज या फिर टेक्नोलॉजीज नहीं थी यहाँ से ही एक एक करके जो बेसिक्स है वो स्टार्ट होना चालू हुआ सो दिस पीरियड विटनेस द ट्रांजिशन फ्रॉम द मैन्यूअल लेबर एंड हैंड प्रोडक्शन मेथड टू द मैकेनाइजेशन एंड द फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये रिवोल्यूशन से पहले सब कुछ हाथ से ही काम होता था मैन्युअली सब कुछ होता था मतलब ज़्यादातर मशीनरी वहाँ पे डेवलप नहीं थी ओके यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि यहाँ पे मशीनरी वगैरह बाद में डेवलप हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर मशीनरी या फिर टेक्नोलॉजी इसके पहले सारे काम है वो हाथ से ही होते थे पूरा का पूरा मैन्यूल लेबर या फिर इंसान का कंप्लीट यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी है वो यहाँ पे खर्च होता था लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर मशीनरी इन्वेंट होने के बाद यहाँ पे आसानी से काम होने लगा तो कौन से कौन से इन्वेंशंस हुए थे देखते हैं सेवरल इन्वेंशंस एंड इनोवेशन्स प्लेड द क्रूशल रोल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड तो हम सभी लोगों को पता है कि स्टीम इंजन किसने डेवलप किया था तो जेम्स वेट तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ही स्टार्टिंग हुआ था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का द स्टीम इंजन कहाँ पे यूज़ होगा आग, आग, बाद में हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया द स्टीम इंजन रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन पावरिंग ट्रेन एंड स्टीम शिप्स तो यहाँ पे ट्रेन में हम लोगों ने यूज़ किया जो स्टीम uh, इंजन था वो शिप्स में भी हम लोग यूज़ करने लगे तो इसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन uh, वगैरह हुआ वो भी बहुत ही आसानी से होगा एंड इट आल्सो प्रोवाइडेड द मोर इफिशेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फैक्ट्रीज तो ये जो स्टीम इंजिन है हम लोग बहुत जगह पे यूज करने लगे ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि ट्रेन में स्टीम शिप्स में और फैक्ट्रीज में हम लोग ये यूज करना है वो स्टार्ट कर दिया था ओके okay? स्टीम इंजन का यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल्सो ब्रॉट अबाउट द प्रोफाउ चेंजेस इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह स्टार्ट हो गई या फिर शिप्स वगैरह चालू हो गया तो इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो गया और एक दूसरे कंट्रीज़ में हम लोग ईजिल जाने लगे तो वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी वहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ने लगा कम्युनिकेशन बढ़ने लगा हम लोग कह सकते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड्स एंड रेलवेज़ फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस तो एक दूसरे बहुत दूर रहते हैं. दूसरे कंट्रीज़ के साथ साथ अपना जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे मैंने कहा था वो बढ़ गया रोड के वजह से रेलवेज़ की वजह से भी बहुत ही दूर जाने लग। जो गुड्स हम लोग बनाने लगे वो बहुत ही दूर तक ईजिली जाने लगा तो ये होता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कुछ भी मैन्यूल uh, लेबर या फिर जो एनिमल्स के हेल्प से जो हम लोग लेबर करा करते थे यानी कि बुलक काट वगैरह होगा या फिर हॉर्स के हेल्प से हम लोग जो गुड्स uh, ट्रा, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे वो ईजिली अभी ट्रेन के और शिप के हेल्प से हम लोग करने लगे आफ्टर द फर्स्ट रिवोल्यूशन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखते हैं अभी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ था सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोलूशन को हम लोग टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल टेक्नोलॉजी है वो इन्वेंट होना चालू हुआ था द मेन कॉज ऑफ़ दिस रिवोल्यूशन वॉज द एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंड सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान ही इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही डेवलप होना चालू हुआ और अभी हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना वास्ट रोल है अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ करते हैं तो इसके वजह से अपने बहुत से काम है वो आसान हो गए और एक कंफर्टेबल लाइफ है वो हम लोगों को अभी मिल रही है सो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी अलाउड फॉर द मच मोर इफिशियंट मास प्रोडक्शन मेथड्स एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मास प्रोडक्शन है वो चालू हुआ बड़े बड़े फैक्ट्रीज है वो डेवलप होने चालू है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं एक साथ बहुत से लेबर है वो काम करना चालू हो गया और ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ मशीन का है एफर्ट्स है वो दोनों साथ में मिल गए तो इसके वजह से यहाँ पर मास प्रोडक्शन है वो होने लगा मास प्रोडक्शन है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ द जो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं वो एक साथ में बहुत नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो ईजीली बना सकते हैं उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी यहाँ पे बढ़ गया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी के वजह से तो कौन से कौन से इन्वेंशनस हुए थे सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोलूशन के कहने के लिए सो इंपॉर्टेंट इनो इन्वेंशन या फिर इनोवेशन हम लोग कहेंगे सो इन कंडेशन इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर जो इलेक्ट्रिक बल्ब का लैम्प है हम लोगों ने बचपन से ही सुना है कि थॉमस एडिसन ने ये बनाया था तो ये इसी दौरान में हुआ था 1879 में सो डेवलपमेंट ऑफ स्टील प्रोडक्शन स्टील का प्रोडक्शन भी हुआ तो स्टील भी हम लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो अभी बहुत सारे जगह पे हम लोग इंडस्ट्रीज में अपने घर में भी बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं तो यूएस का भी जो स्टील प्लांट वगैरह है वो इसी दौरान एस्टेब्लिश uh, हुआ था जनरल uh, इलेक्ट्रिक जो थॉमस एडिसन की जो कंपनी है जो इन्होंने बनाया था जनरल इलेक्ट्रिक वो भी इसी दौरान से स्टार्ट हुआ था द इंटरनल कंबशन इंजिन एंड द क्रिएशन ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक नाइलॉन डिराइव फ्राम द ऑयल इंडस्ट्री तो कम्बसन इंजन इंटरनल कम्बशन इंजन है उसका भी इनोवेशन हुआ था इन्वेंशन हुआ था इसी दौरान जो अभी हम लोग प्लास्टिक या फिर नायलॉन जो अभी हम लोग आज तक यूज़ करते हैं जो कोई भी बहुत इंडस्ट्री यूज रिवोलूशन हम लोग जिसे हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक और नायलॉन तो ये भी इसी दौरान में इन्वेंट हुआ था द यूज़ ऑफ़ द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो लेट टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज द टेलीफोन एंड द रेडियो टेलीफोन और रेडियो के वजह से बहुत कम्युनिकेशन है वो ईजी हुआ था किसी दूर के पर्सन के साथ साथ हम लोग इजीली बात करना चालू कर दिए थे बहुत ही आसान से कम्युनिकेशन हो गया तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे ये सेकेंड रिवोल्यूशन में सो ऑल ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजीज लेड टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द मास प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस इन कॉस्ट ओके तो मास प्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पे कॉस्टिंग है वो बढ़ गया तो ये हम लोग इन्वर्टेड कर कसे जैसा मास प्रोडक्शन हम लोग जैसे मास प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वैसे ही उसका जो कॉस्ट है वो कम होते जाएगा इट लीड टू अूज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी दिस वॉज बिकॉज ऑफ़ द न्यू टेक्नोलॉजी इज अलाउड बिजनेसेज टू प्रोड्यूस द मोर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ मस्ट फास्टर रेट तो इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ क्योंकि ज़्यादा मास प्रोडक्शन यानी कि मास प्रोडक्शन होने की वजह से उसका डिमांड भी बढ़ गया तो इसके वजह से टोटल इकोनॉमिकल ग्रोथ भी यहाँ पे होने लगा एडिशनली द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन लेड टू द न्यू एरा ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन तो आगे जाकेटो ऑटोमोबाइल में भी यानी कि कार्स वगैरह अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं और एयरप्लेन्स वगैरह तो इसके वजह से भी एक अलग लेवल का रिवोल्यूशन यहाँ पे जनरेट हुआ बिकॉज पीपल वाउ एबल टू ट्रैवल मच फास्टर एंड फास्टर देन एवर बिफोर ठीक है तो अभी बढ़ते हैं हम लोग थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि लेटेस्ट भी हम लोग कह सकते हैं एकदम बहुत पुराना नहीं हो सकता है ये नाइनटीज लेट नाइन्टीज़ के अराउंड हम लोग इसे कह सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ था सो द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोलूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिजिटल रिवोल्यूशन इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोलूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं तो इट इज़ अ डिजिटल रिवोल्यूशन सो इट ब्रिंग्स द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑफकोर्स द कंप्यूटर तो जहाँ पे चिप्स वगैरह है वो जनरेट हुए सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन बेसिकली हम लोग कहेंगे ब्रॉड वर्ड्स uh, में इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन एंड ऑफकोर्स कंप्यूटर्स इसके वजह से क्या क्या रिसर्च फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गया, या फिर कौन से कौन से रिवोल्यूशन यहाँ पे जनरेट हो गए तो ये है स्पेस एक्स एक्सप्रेडिक्शन यानी कि स्पेस में जाने लगे मून पे जाने लगे या फिर जो अपने स्पेस शिप्स होते हैं वो एक एक करके जनरेट होने लगे या फिर हम लोग सैटेलाइट्स कह सकते तो सेटेलाइट्स की हेल्प से भी टेली है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया उसमें रिसर्च और बढ़ गया बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ से डेवलप होना चालू हो गया एंड अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पीएलसी जिसे हम लोग कहेंगे प्रो, प्रोग्रामेबल लॉजिक एंड कंट्रोलर्स अभी तक हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो गए तो यही थर्ड इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन में आता है एंड द रोबोट्स तो रोबोट्स के हेल्प से ऑटोमेशन है वो होना स्टार्ट किया तो रोबोट भी हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही अपना आसान से काम कर देता है सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज वी आर नाउ एबल टू ऑटोमेट एन एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं एक यहाँ पे रोबोटिक आम है ये अपना इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस में आसान करने में बहुत हेल्प होता है ह्यूमन जहाँ पे ह्यूमन की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं रहेगी या फिर कोई भी हेवी वर्क रहेगा वो हम लोग आसानी से रिम, रिमोटली रोबोट के हेल्प से वहाँ पर कर सकते हैं सो नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस रोबोट्स आर द परफॉर्म प्रोग्राम सिक्वेंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन्स uh, की नीड नहीं है या फिर जिसे ह्यूमन्स uh, का काम आसानी से हो सकता है वहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन करते हैं या फिर रोबोट्स का है वो हेल्प लेते हैं ओके okay, तो यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो गया थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चलते हैं इंडस्ट्री फोर में जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल में ये कंप्लीट कोर्स में डिस्कस करेंगे तो क्या है इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या फिर फोर आई ओके शॉर्ट फॉर्म में भी इसका लिया है सो इट टॉक्स अबाउट द यूज ऑफ डिफरेंट सेंसर्स कनेक्टिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ए आई भी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एब्रीवेशन को देखे मशीन लर्निंग जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एम एल सी पी एस साइबर फिजिकल सिस्टम हम लोग आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे एम टू एम यानी कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन तो दो मशीनस रहेंगे तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर सकती है तो ये आता है इंडस्ट्री फोर पॉइंट ज़ीरो में एंड सो ऑन टू डेवलप द स्मार्ट फैक्ट्रीज स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्मार्ट सप्लाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो अभी सारी चीज़ें स्मार्ट हो गई है स्मार्ट वॉचेस आ गए स्मार्ट फोन्स आ गए तो उसके साथ स्मार्ट लेंसेस आ गए स्मार्ट गॉगल्स आ गए तो उसके साथ साथ स्मार्ट फैक्ट्रीज भी होने चाहिए सर सारी चीज़ें जनरेट करने के लिए स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्मार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो कैसे करेंगे हम लोग ये सारे चीज़ें इन डिटेल में डिस्कस करेंगे सो इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल आई ओ टी यानी कि आई आई ओ टी ओके आपने आई ओ टी के बारे में तो सुना रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स रहता है लेकिन इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो बात करते हैं इंडस्ट्रियल आई ओ टी के बारे में यानी कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या आई ओ टीज हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले साल में या फिर कर रहे हैं अभी फिजिकल जो डेवलपमेंट चालू हुआ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई आई ओ टी में यहाँ पे डिस्कस होती है एंड दिस इज़ बिकमिंग द पॉपुलर इन द इंडस्ट्रील सेक्टर टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द डिफरेंट पर्सनल इन द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड इंक्रीजेज द मशीन लाइफ टाइम तो आई ओ टी यानी कि इंडस्ट्रियल आई ओ टी की वजह से यहाँ पे बहुत सारा यूमन का काम है वो कम हो जाएगा और इफिशियंटली कोई भी मशीन है वो ऑपरेट हो सकती है जिसके वजह से उसका जो लाइफ uh, स्पैन भी है उसका जो इफिशियंसी है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो ब्रिंक्स द इन्वेंशन बियॉन्ड द प्रीवियस रन ऑफ द पॉसिबिलिटी विद द फोर फाउंडेशनल टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी अपलाइड ऑल अलॉन्ग द वैल्यू चेन ओके ये छोड़ दिया तो भी चलेगा अगर नहीं समझ में आया तो मतलब इसका मतलब क्या है कि चार इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में हम लोग इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज कनेक्टिविटी डेटा एंड द कंप्यूटेशनल पावर जहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होता है क्लाउड टेक्नोलॉजी द इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक चेन एंड सेंसर्स तो कुछ ना कुछ जो वर्ड है वो आपने सुने रहेंगे नहीं सुने तो भी हम लोग ये कंप्लीट कोर्स में डिस्कस करेंगे उसके बाद आता है एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस एडवांस एनालिटिक्स मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ भी अपने पास पहले से डेटा है हम लोग उसको उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये प्रीवियस डेटा पर ही वर्क करता है उसको एक कुछ ना कुछ एनालिटिक्स बना के ही अपने सामने ये पेश करता है ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन में क्या होगा वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि वी आर यानी कि वी आर और ए आर तो आपने देखा रहेगा गेम जैसे आए थे रिसेंटली जो गो वगैरह आया था उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह यहाँ पे यूज़ होती है वर्चुअल रियलिटी जो आँखों के सामने जो अपना वर्चुअल रियलिटी जो ग्लासेस होते हैं वी आर जिसे हम लोग कहेंगे ये भी अभी बहुत बार यूज़ होता है तो ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने का काम होता है आई आई ओ टी में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ऑटोनोमस गाइडेड व्हीकल्स ठीक है एडवांस इंजीनियरिंग क्या होता है एडवांस इंजीनियरिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि थ्री प्रिंटिंग ये भी अपने टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल में रिन्यूएबल एनर्जी एंड नैनो पार्टिकल्स ओके तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इंडस्ट्री 4.0 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और प्रीवियसली वन टू थ्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या थे ओके okay, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस्ट्री फोर ठीक है तो इसलिए ये वीडियो जल्द से जल्द अब तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले ठीक है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्री फोर के साथ